मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल हाउस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करना न भूलिए, शुक्रिया। कहते हैं एक मौलवी साहब है, वो कहते हैं कि नफिल जो है ना ये हमने खुद बनाए हैं, ये इजाफा जो है ना कुरान में है ना हदीस में, रोमिन फतहज्जत भी नाफिल तल्लक, इसका माना क्या करोगे? बस एक जिद है, उसका क्या इलाज है? पहले नफिल छुड़ाएंगे, फिर इंशाल्लाह तो उसे सुन्नत छुड़वाएंगे, फिर इंशाल्लाह नमाज भी छुड़वा दें। इनका मिशन ही यही है। मेरी बीवी बहुत परेशान है, बस यही सोचती रहती है कि मैं क्यों पैदा हुई। उसको कहा कर रहे मेरे लिए पैदा हुई है ना, तभी तो मेरे पास आई वो बीवी बन के। बहरहाल परेशानी का इलाज भी कुरान में है, अल्लाह में जिक्र तत्मइन्नल कुलूब, अल्लाह में जिक्र से दिलों का इत्मीनान होता है। उसको भी यही कहें कि अल्लाह का जिक्र ज्यादा करे, दरूद शरीफ ज्यादा पढ़े। अगर मर्द को एहतलाम हो जाए तो उससे भी कमजोरी क्यों नहीं कमजोरी होती? जब मादा खारिज होगा तो कमजोरी होगी। कितना दफा पूछोगे तुम ये मसला? तुम्हें शौक है एहतलाम होने का? शैतान से ताल्लुक रखना चाहते हो? मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल हाउस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करना न भूलिए, शुक्रिया।